नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। संबल में 5 रुपए में भोजन की कुछ समाज सेवियों ने रसोई शुरुआत की है। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने फीता काट कर आज रसोई का शुभारंभ किया। गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला में समाज सेवियों ने 5 रुपए में भोजन योजना शुरू की है। माँ गंगा जन कल्याण समिति के बैनर तले स्थापित रसोई का डीएम ने आज उद्घाटन किया। गरीबों की मदद को बनाई गई 5 रुपए की भोजन योजना सुबह 9 से 12 तक प्रतिदिन चलेगी। उद्घाटन के मौके पर डीएम ने भी रसोई के छोले चावल के स्वाद को चखा। संभल से रिंकू कुमार की रिपोर्ट। इस मामले में बबराला के कुछ सफरांत लोगों ने एक समिति बनाई है जिसका नाम माँ गंगा जन कल्याण समिति रखा है। इस समिति का उद्देश्य गरीब लोगों के, जो निर्बल लोग हैं, जिन पे असहाय है, बेसहारा है, उनके लिए हमने एक माँ गंगा की रसोई नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत की है जिसमें 5 रुपए में हम भोजन उपलब्ध कराएंगे। आज उद्घाटन हुआ जिसका आज 11 बजे डीएम साहब ने उद्घाटन किया है। चोरों का सामान बरामद करने गई पुलिस का ग्रामीणों से विवाद हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोला, वहीं पुलिस ने लाठी डंडों से मारपीट कर गोलियां चलाई हैं। इसमें एक महिला व एक पुरुष घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। मुरैना से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, 3-4 दिन से जिले में अलग अलग था जो चोरी और लूट की वारदातें कर रहे थे। हमने अपनी जो मोबाइल तरफ से उसकी जानकारी दी, तो रात को 3:30 बजे के आसपास हमने एक गाड़ी पकड़ी। उस गाड़ी में कुछ संदेह और उनके साथ एक जो चोरी किया हुआ जो मार्ग दर्शन का है उनका नाम, तो उसमें उनकी पूरी जानकारी ली थी। गाँव पड़ता है खुराब, तो वहाँ पे इन लोगों का नगरा से कुछ लोग आते हैं और शह देना पाया था, तो गाँव उस गाँव में दबिश गई थी और वहाँ पर कार्रवाई हुई। तो अभी जो जैसे कुछ लोगों ने पुलिस ने भी थोड़ा सा वो हमला करने का प्रयास किया था, तो उसमें अभी कोई फायरिंग की ऐसी घटना की पुष्टि नहीं हुई। देखिए, सोचे उनका कोई नहीं है, उसमें जो घायल है, एक घायल का जो बताया जाता है उसे यहाँ पे वहाँ के ऊपर चोट है, तो ऊपर से जब पूछे हैं जब पुलिस आ गई तो उस समय गए मेडिकल एग्जामिनेशन में, इसमें जो कंकड़ है, कंकड़ की वजह से वो आँख में चोट है। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मानस्तंभ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ संपन्न। 2 दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह के आज दूसरे दिन मान स्तंभ में चारों मूर्ति प्रदाताओं द्वारा आदिनाथ भगवान की 4 मूर्तियां स्थापित की गई। आमिर खान की रिपोर्ट कामा से। गर्मी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। आम आदमी की क्षमता से गर्मी तेज हो गई है, जिससे लोग गर्मी का शिकार बन रहे हैं। चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। मुरैना जिला पुलिस बल में कार्यरत आरक्षक शंभू सिंह मौर्य आज गर्मी का शिकार हो गए। पुलिस लाइन में अपनी ड्यूटी का इंतजार कर रहे आरक्षक गर्मी के कारण अचेत हो गया। पुलिस बल ने उसे जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया, यहां उसकी स्थिति नियंत्रण में है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस बल अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर द्वारा आरक्षक का इलाज किया जा रहा है। मुरैना से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये अभी हीट स्ट्रोक का मामला हुआ है, इसके सडन मतलब सिंकॉप हुआ है और उल्टी भी हुई है और लेटरिन पेशाब भी छूट गई है इसके लिए। तो गर्मी की वजह से या ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गई। जिला चिकित्सालय उसको अभी दाखिल करके भर्ती करके ट्रीटमेंट अभी चालू किया। गुरु पर्व पर लोगों को पिलाया शरबत। गंज बासौदा रेलवे स्टेशन पर सिखों के 5वें गुरु शहीदों के सरताज अर्जुन देव जी साहिब के शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन इंडरीवल क्लब के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया। इसमें क्लब के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सुबह के समय रेल यात्रियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडे शरबत का वितरण किया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष कांति भाई साह, सुरेश तनमानी, महिला मिलन बूढ़ा पूरा अध्यक्ष अनीता जैन, शैलेंद्र सक्सेना सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। गंज वासौदा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। और ईडीएट अकेडमी के बच्चे आए हुए हैं, हम सब मिलकर यात्रियों को ठंडे शरबत परोसेंगे ताकि तपती गर्मी में राहगीरों को कुछ राहत मिल सके। गुरु महाराज की वाणी वचन के अनुसार जो भी प्रतिवर्ष ठंडे शरबत। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।